वार नंबर एट क्या हो गया? हमारा पेपर देख लो, बोर्ड पेपर है। सबसे पहला है आपके 17/8, ये पहले बताना है कि आपके शांत है या अशांत। अगर शांत है तो उसको क्या करना है, आपको हल क्या करना है, हल करना है पूरा। देखो ध्यान दो, ये है 17/8 के हल करेंगे। पहले तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, या फिर 4, फिर 2 या 2। 2 की आठ कितनी हो गई आपके? 3। मतलब ये है कि आपके 8 का मान कितना है? 2 की घात 3 में, या 5 की घात 3 में है, या दोनों में है, तो क्या होता है? हमेशा शांत होता है। तो ये हो जाएगा आपके 8 का मान 2 की घात 3 इंटू 5 की घात क्या है? 0 के रूप में है। अतः 17/8 एक क्या है आपके? 7.5। अगर शांत है तो आगे हल करो, तो कैसे हल करेंगे? 17/8 दे रखा है, इसको ऐसे लिखो, या 17/2 की घात 3 लिखो, या 2 की घात 3 है तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 को अंश में मिलेंगे और हर में मिलेंगे। ये हो गया आपके 17 × 5 की घात 3, 5 × 5 × 5 125। और यहाँ पर आपके दोनों दे रखे हैं, 2 पर भी घात 3, 5 पर भी घात 3, तो हो गया आपके 5×10 की घात 3। दोनों को गुणा कर लेंगे और घात वही रहेगी 3 के 3। 17 × 125 गुणा करो तो आता है 2125/, दोनों गुणा कर लेंगे तो आता है 2125। 10 की घात 3 मतलब जितने घात 3 है उतने 0 लिखने हैं, तो 1, 2 और 3 बस ऐसे लिखना है, ये 0 एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। 10 × 10 × 10 कितना होता है? 1000। 3 छोड़ो, पॉइंट लगा दो, 1, 2, 3 या पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 2.125। पहले देखना है शांत है शांत है, उसके बाद में क्या करना है आपको, उसको हल भी करना है पूरा, कोई बिना भाग की भाग नहीं करना है, बिना भाग के ऐसे उत्तर आपको निकालना है। सवाल नंबर 2 ये दे रखा है आपके, अंडरवुड का 2x + अंडरवुड का 3y = 0। अगला दे रखा है अंडरवुड का 3x - अंडरवुड का 2y = क्या दे रखा है? 0। जब भी किस सवाल में पीछे 0 आए, यहाँ पर समझ लो कि x और y का मान भी क्या है? 0 ही है। आपको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? इसको तो गुणा कर लेंगे हम अंडरवुड के 2 से, जैसे ये तो है समीकरण नंबर 1, इसको गुणा कर लेंगे अंडरवुड के 2 से, ये है समीकरण नंबर 2, इसको गुणा कर लेंगे हम अंडरवुड के 3 से, इसको इससे और इसको इससे गुणा करो, ताकि आप क्या हो जाए कि हाफ ही सेम संख्या हो जाए दोनों तरफ। पहले इसको गुणा करो इससे, अंडरवुड 2 को अंडरवुड 2 से गुणा करने पर क्या बन जाता है? 2। या लाइन लिख सकते हो इसको इससे गुणा करने पर, फिर तो इसको इससे गुणा करेंगे अंडरवुड 2 अंडरवुड 2 तो क्या हो जाएगा? केवल 2। अब इसको गुणा करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा? एक्स का एक्स प्लस, इसको गुणा करने से क्या आएगा? 2 × 3 = 6, लेकिन 6 का अंडरवुड नहीं निकलता। वाई का वाई बराबर 0, क्योंकि 0 को किससे गुणा करो? 0 ही आता। अब इसको गुणा करेंगे इससे, अंडरवुड जाएगा 3x - अंडरवुड 6y = 0। एक प्लस का एक माइनस का है, ये हो गया कैंसिल, और 2 और 3 कितना हो गया आपके? 5x = 0। गुणा में हो जाएगा भाग में, एक्स बराबर हो जाएगा 0/5, क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आ गया एक्स का मान। अब एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में तो क्या लिखेंगे? एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये वाला मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो अंडरवुड 2 तो है ही, एक्स का मान कितना है? 0 प्लस अंडरवुड 3y = 0। 0 को मतलब ही नहीं है, 0 हो गया गाइस। अब ये गुणा हो जाएगा भाग में, तो y का मान हो जाएगा 0/√3 = क्या? 0। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। जब भी यहाँ पीछे दोनों तरफ 0 आ जाए तो हमें क्या होगा? x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आएगा आपके? 0 ही आएगा। आगे समझना। अब यह सवाल नंबर 3, इसमें कहा है आपके an = 9 - 5n। इसने कहा है कि बताओ क्या नाम सार अंतर ज्ञात करना।
डी ज्ञात करना है। तो डी कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, डी कैसे क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला। अगर हम यहाँ एक रखा भी, वैसे डी यहाँ होता है दिया हुआ, डी कितना है ये माइनस का पांच लिखा हुआ है, ये लिखा होता है माइनस का पांच, फिर भी देखो निकालो कैसे। अगर हमने यहाँ एक रखा तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा, तो कितना आता है, नौ का नौ माइनस पांच एकम पांच, कितने बच गए चार। अब यहाँ है दो, तो नौ माइनस पांच इंटू दो, तो नौ माइनस कितने पांच दूनी दस, पीछे कितने बच गए माइनस का एक। अगर मुझे ये डी याद करना है तो सूत्र क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद तो आया है आपके माइनस का एक और पहला पद कितना है चार, ये तो है माइनस का एक, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर ए वन कितना है चार, माइनस एक और माइनस चार कितना हो गए माइनस के पांच, मैंने बताया था यहाँ लिखा होता है, या प्लस चार है एन के पास हो सकती है, या प्लस का चार है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, आगे समझ में। अब है सवाल नंबर चार, सवाल नंबर चार दे रखा है आपके, एक पॉइंट है माइनस दो और नौ, हमें ज्ञात करना है डिस्टेंस ज्ञात करना, दूरी एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी, डिस्टेंस ऑफ एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से दूरी बतानी कितनी आ जाएगी आपकी नौ। एक्स अक्ष से पूछे तो वाई का मान लिखेंगे, और वाई एक्स से पूछे तो एक्स का मान लिखेंगे, माइनस दो वही लिख दो आप जो दिया हुआ है वही लिख दो, चेंज मत करो, माइनस दो तो माइनस दो लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, चेंज करो एकदम, ताकि मालूम रहे कि किधर है पॉइंट, ये इसके लिए है। तो अगर आप x से पूछे तो दूर लिखेंगे y का मान, और y पूछे क्या लिखेंगे हम x का मान लिख देंगे, माइनस दो तो माइनस दो लिख दो, प्लस है तो प्लस भी लिख सकते हो, अगर होंगे ये आता है हर साल बोर्ड में, x से दूरी पूछे तो y का मान लिखेंगे और y से पूछे तो x का मान लिखेंगे। अब सवाल नंबर पांच, इसमें कहा है दो बिंदु है आपके, वो निर्देशांक दे रखे हैं, क्या नाम है चार और माइनस तीन, और भी कहा है तो इस पॉइंट के और दो पॉइंट दे रखे, उनके बीच में एंड का प्रयोग है या और का प्रयोग है, एक यहाँ आएगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट दे रखा है आपके आठ और पांच, इन दोनों को किस अनुपात बांटना है आपको, तीन अनुपात एक में बांटने वाला निर्देशांक हमें करना है या क्या आएगा, दो पॉइंटों को तीन अनुपात एक में बांटने वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट करना है हमें ज्ञात, जो अनुपात में है वो होता है एम वन और क्या होता है एम टू, इसमें देखो सबसे आगे लिखे हुए होता है एक्स वन और वाई वन, जो आगे लिखे हैं एक्स टू और ये हो गया वाई टू, और जो हमें ज्ञात करने हैं वो होते हैं एक्स और वाई, अनुपात अलग अलग है सूत्र थोड़ा बड़ा लगेगा, अनुपात एक समान सूत्र छोटा लगता है, एक्स टू प्लस एक्स वन बटा दो, लेकिन अनुपात अलग अलग है, तो अगर हमें एक्स और वाई ज्ञात करना है तो सूत्र लग जाएगा एम वन प्लस एम टू बटा एम वन प्लस एम टू। अब इससे क्या है आपके है यहाँ आएगा एक्स टू, ये तो केवल एक्स का सूत्र हुआ, अब लगाएंगे वाई वाला सूत्र, एम वन प्लस एम टू बटा एम वन प्लस एम टू, यहाँ लग जाएगा आपके वाई टू और वाई वन के पास टू, टू के पास वन, अब अनुपात कितना है तीन अनुपात एक है, तो तीन प्लस एक बटा तीन प्लस एक, यहाँ लिख दो तीन प्लस एक बटा तीन प्लस एक। अब एक्स टू एक्स वन मतलब आठ और चार, यहाँ आ जाएंगे आठ यहाँ आ जाएंगे चार, पांच और माइनस तीन यहाँ आ जाएगा पांच और यहाँ आ जाएगा माइनस तीन, गुणा करो आठ या चौबीस प्लस चार एकम चार बटा चार, पांच दिया पंद्रह माइनस तीन एकम बटा चार, ये कितने हो गए चौबीस और चार अट्ठाईस बटा चार, पंद्रह में तीन गए बारह बटा चार, अट्ठाईस में चार का भाग कितना रहता है आपके सात बार, और यह भाग कितना रहता है आपके तीन बार, ये हो गया सात और तीन, ये हो गया आपका जो पॉइंट आपसे पूछा गया है वो याद हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके। फिर है आपके छठा सवाल, ये दे रखा है आपके एक वर्त है एक सर्कल, वर्त के बाहर क्या दे रखी, दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है,
और स्पर्श रेखाओं के मध्य, एक तो हो गया आपके यहाँ केंद्र है जिसका नाम है ओ, और दो स्पर्श रेखा है, एक का नाम है एबी और एक का नाम क्या है एसी। दो स्पर्श रेखा दे रखी है, ये वाली है और एक ये वाली। इसने कहा केंद्र पर अंतरित कोण बीओसी, इसका मान दे रखा है आपके 140। हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना है। दोनों का योग कितना होता है 180। पहले लिखेंगे हम के कोण बी का मान कितना होता है 90 और कोण सी का मान भी कितना होता है 90। क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण सदैव कितना होता है 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री हो गया। अब पीछे बचे ये दोनों, चुप चुप करके क्या गया चतुर्भुज है 180 चले गए, कितने बचे 180। इन दोनों का योग भी कितना होता है 180। कोण क्या नाम है बी ए सी, ये तो हो गया बी ए सी और ये हो गया बी ओ सी, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 180। तो ये वाला कौन और ये वाला, जो नाम बीच में दे रखा उसी का होता है, बाकी वाले ऐसे लिखे हुए बी ओ सी और बी ए सी। अब बी ए सी तो करना है हमें याद करना है, और बी ओ सी कितना दे रखा है आपके 140 बराबर 180, उधर भेज दो इसको 40 उधर भेज दो, तो बी ए सी का मान हो जाएगा 180 माइनस 140 बराबर हो जाएगा 40। ज्यादा नियम नहीं आते हैं, बाकी आती है सिंपल, 180 में से गया कितना 40, इसे कितना बच गया आपके 40, ऐसा लिखना है। ये जितना है उसको 180 में से घटाएंगे तो ये वाला कौन क्या आ जाएगा आपके ज्ञात हो जाएगा। अब सातवा दे रखा है हमें कोण देगा एंगल, कोण तो दे रखा है थीटा और त्रिज्या दे रखी है आपके आर, वो भी कैसा आर है आपके बड़ा, यहाँ दे रखा है बड़ा आर। और हमें क्या ज्ञात करना है एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या ज्ञात करेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जहाँ आर है छोटा वहां लगा दो बड़ा आर और थीटा है थीटा ही है, चेंज है ही नहीं, पाई का पाई और आर कितना है यहाँ पर बड़ा है, थीटा बटा 360 पहले लगाए सूत्र, फिर बाद में जहां जहां चेंज, यहाँ पी दे रखा है तो पी लिख दो, आर दे रखा है तो आर लिख दो, केवल सूत्र पूछते हैं या तो ये पूछेंगे या पूछेंगे चाप की लंबाई। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर, पूछ क्या है ब्रह्म सूत्र पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर कितना है बड़ा आर थीटा बटा 180, तो ये पूछे ये लगा दो ये पूछे ये लगा दो, दोनों में से कोई पूछता है तो दोनों में से कोई भी लगा सकते आगे समझे। अब है आठवा दे रखा है एक स्पर्श रेखा है पी क्यू, एक वर्त है, ये भी सवाल आता है कई बार, एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है आपके 13, जिसका केंद्र क्या है ओ है और उसकी रेडियस दे रखी है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है 5। हमें ज्ञात करनी है केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, अभी मैंने बताया था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना डिग्री कोण होता है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपके समकोण, और ये वाली भुजा हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है कर्ण, जैसे मान लो ये है आपके पी क्यू और ये हो गया है आपके ओ, इसमें पूछा है पी क्यू ज्ञात करना है, मतलब ये यहाँ भी ये दे रखा है 13, ये वाला करना है हमें ज्ञात, दूरी दे रखी है 13, त्रिज्या दे रखी है 5, हमें ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी, तो बताओ क्या हो जाएगा आपके पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अगर कर्ण अगर हमें लंब या आधार ज्ञात करना है तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे बड़े में से छोटा घटा देंगे, अब बड़ी भुजा ये है छोटी ये है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 174 माइनस 25 कितना बचा 144 स्क्वायर लग गया, यहाँ लग गया अंडर रूट कितने लग गए 12, तो ये क्या आ जाएगी स्क्वायर लंबे कितनी हो जाएगी 12, तीनों में जो पूछे ये दोनों पूछेंगे तो माइनस करना है और ये पूछो क्या करनी है आपको जोड़ करनी है, आगे समझ में। अब है नोवा ये दे रखा है एक पासा है, पासा को फेंकने की सभी क्या नाम है
प्राइम नंबर की प्रायिकता ज्ञात करनी, अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। पास आया बताओ, पास है के कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक दे रखा है आपके इंग्लिश की किताब लिख बोलो, 1, 2, 3, 4, 5 और कितना दे रखा है? 6। हमें ज्ञात करनी है प्राइम नंबर, मतलब के अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बताओ अभाज्य कौन कौन सी है? ऐसी संख्या जिसके दो टुकड़े होते हैं, एक तो एक और एक खुद की संख्या, जैसे ये वाली संख्या है 2 और 1, ये संख्या है और 1, 5, 2, 3 और 5, 4 और 6 भाज्य, और ये क्या है? ना भाज्य है ना ही अभाज्य। तो कौन सी संख्या बताओ? 2 है, 3 है और 5 है। हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। अनुकूल कितना है बताओ? जो पूछा गया अनुकूल कितने हैं आपके? 3 है और कुल कितने हैं? 6 है, तो हो जाएगा 1/2। आवाज दसवां देखो, दसवां दे रखा है, एक बैग में 3 तो है रेड बॉल, 5 है ब्लैक बॉल, तो देखो लाल बॉल दे रखी है, लाल गेंद, आवाज नहीं, लाल गेंद तो दे रखी है आपके 3 और ब्लैक बॉल दे रखी है आपके 5, टोटल कितने हो गए आपके? 8, ये हो गए आपके कुल। हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता, अगर गेंद निकाले और गेंद क्या हो? नॉट ब्लैक, मतलब के आपको काली नहीं हो, ऐसा ज्ञात करना है, काली गेंद नहीं हो ऐसा करना है हमें ज्ञात। तो देखो ध्यान में, काली गेंद कितनी नहीं है? 8 में से 3 क्या हो गई? सफेद, तो 5 गेंद क्या हो गई आपके? काली। या फिर अगर वो काली को बाहर निकाल दो तो 3 क्या हो जाएगी आपकी? सफेद। जो ज्ञात करना है वो माइनस कर देंगे। आवाज जी अरे हाँ जो भी है, आवाज नहीं, 8 में से क्या निकालेंगे हम? काली गेंद को बाहर निकालेंगे, बाकी गेंद क्या है आपके? काली नहीं है। तो हम ये प्रोबेबिलिटी याद करेंगे प्रायिकता, तो ध्यान लगाना है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो पूछा क्या है? काली गेंद नहीं है, तो काली गेंद कितनी गेंद? काली नहीं है, 3 गेंदें काली नहीं। उतारो